मास्टर ऑफ हॉरर ड्रीम्स इन द विच हाउस। कहानी की शुरुआत में हमें वॉल्टर नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि शहर में पढ़ाई करने आया हुआ था। वहाँ उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो एक गेस्ट हाउस में जाता है जो कि काफी पुराना था। वो मैनेजर के दरवाजे पर जाकर खटखटाता है तो दूसरे कमरे से एक आदमी उसे घूरने लगता है जो कि वॉल्टर को काफी अजीब लगता है। तभी मैनेजर बाहर आता है और वॉल्टर उससे कहता है कि उसे यहाँ रहने के लिए एक रूम चाहिए। मैनेजर वॉल्टर को फर्स्ट फ्लोर पर ले जाता है और उससे कहता है कि भाग्य से आज एक रूम खाली है। तभी वॉल्टर को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। इस पर मैनेजर उसे बताता है कि उसके साइड वाले रूम में एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती है और जब उसका बच्चा रोता है तो उसके रोने की आवाज पूरे घर में आती है। मैनेजर वॉल्टर को उसका रूम दिखाता है जो कि काफी दिनों से खाली पड़ा था। वॉल्टर को रूम काफी पसंद आता है क्योंकि वो उसे काफी सस्ते में मिल रहा था, इसीलिए वो उस रूम के लिए मैनेजर को पैसे दे देता है। अब रात को जब वॉल्टर सो रहा होता है तो नीचे से उसे एक आदमी के प्रेयर करने की आवाज आती है। इससे वो काफी हैरान हो जाता है कि भला रात को इस वक्त कौन प्रेयर कर रहा है। हालांकि वो उसे नजरअंदाज करके दोबारा से सो जाता है। अगले दिन वॉल्टर अपने लैपटॉप में पढ़ाई कर रहा था जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि वो डायमेंशंस की पढ़ाई कर रहा है। उसका मानना था कि घर के कोनों के जरिए बड़ी ही आसानी के साथ दूसरे डायमेंशन में आया और जाया जा सकता है और वॉल्टर इसी बात पर रिसर्च कर रहा था। इस दौरान उसे अपने कमरे के कोने के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो उस कोने पर जाता है और दीवार को खटखटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि दीवार पूरी खोखली है। तभी वॉल्टर को साइड के कमरे में रहने वाली औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसके कमरे में पहुंचकर देखता है कि एक चूहा उसके पीछे पड़ा हुआ है। वॉल्टर चूहे को भगा देता है और वो चूहा अपने बिल में चला जाता है। वो लेडी वॉल्टर से कहती है कि उस चूहे ने उन्हें परेशान कर रखा है। वो हमेशा उसके बेटे के पास आता है, मानो कि वो उसे काटना चाहता हो। इसके बाद वॉल्टर मैनेजर के पास जाता है और उसे इस सिचुएशन के बारे में बताता है। इस पर मैनेजर उससे कहता है कि ये पुराना घर है तो यहाँ पर चूहे तो होंगे ही, और फिर मैनेजर वॉल्टर को एक हथौड़ा देता है ताकि वो चूहे के बिल को किसी लकड़ी वगैरह से कील ठोक कर ढक सके। अब इस पर नीचे रहने वाला बूढ़ा आदमी वॉल्टर से कहता है कि क्या उस चूहे की शक्ल इंसान की तरह थी। इस बात का वॉल्टर उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप ऊपर जाकर वो उस बिल को ठीक करने के लिए एक लकड़ी और कील की मदद से उस बिल को ढक देता है और उस लेडी से कहता है कि अब वो चूहा दोबारा से आपको परेशान नहीं करेगा। अब वो लेडी वॉल्टर से बताती है कि उसका नाम मैरी है और ये उसका बेटा डॉनी है। साथ ही वो वॉल्टर का शुक्रिया अदा करती है और उसे चाय के लिए पूछती है। इसके लिए वॉल्टर उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रात को वॉल्टर जब पढ़ रहा होता है तो अचानक उसकी दीवार से उसे फिर से आवाज आती है और इस बार भी वो उस आवाज को नजरअंदाज करके सो जाता है। तभी उस दीवार से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और दीवार के अंदर से एक चूहा निकलता है जिसकी शक्ल इंसान की तरह थी जो कि वॉल्टर के सीने पर आकर बैठ जाता है और उसे उठाता है। वॉल्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो चूहा उससे कहता है कि वो उसके लिए आ रही है। इस पर वॉल्टर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। उसे लगता है कि ये एक सपना था, मगर तभी वो उस चूहे को बिल के अंदर भागते हुए देखता है। अब उसके दरवाजे पर मैरी आती है जो कि कहती है कि उसने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी है, तो क्या सब कुछ ठीक है। इस पर वॉल्टर उसे बताता कि उसे एक सपना आया था जो कि काफी अजीब था। इस पर मैरी उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे चाय ऑफर करती है। वॉल्टर उसे बताता है कि वो यहाँ पर किसी चीज की पढ़ाई करने आया है। वो कहता है कि उसका मानना है कि उनकी दुनिया से विपरीत एक और दुनिया है जो कि एक अलग डायमेंशन में है और घर की कोनों की दीवारों के जरिए ही उस डायमेंशन में जाया जा सकता है। पर मैरी को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो उसे बताती है कि कल वो इसे गेस्ट हाउस को छोड़कर जा रही है। इस पर वॉल्टर उसे बोलता है कि वो आखिर अपने बच्चे को लेकर कहाँ पर जाएगी। इस पर वो उसे बताती है कि उसके पास मैनेजर को देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैनेजर उन्हें यहाँ से बाहर निकल रहा है और जब उसकी जॉब लग जाएगी तो उन्हें रहने की जगह भी मिल जाएगी। जिस बात पर वॉल्टर उसे $50 ऑफर करता है और उससे कहता है कि वो ये मैनेजर को दे दे और जब उसकी जॉब लगेगी तो वो उसके ये पैसे वापस लौटा देगी। अब यहाँ अपने बच्चे का सोचकर वो उन पैसों को रख लेती है और वॉल्टर का शुक्रिया अदा करती है। अब अगली रात फिर जब वॉल्टर पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे फिर से प्रेयर की आवाज आती है, जो आवाज सुनकर वो नीचे जाता है और उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर वो रात को प्रेयर क्यों करता है। वो देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। अब वॉल्टर अंदर दाखिल हो जाता है, साथ ही वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे क्रॉस लगे हुए हैं, जहाँ वो बूढ़ा आदमी वॉल्टर से पूछता है कि क्या उसने उस चूहे को देखा जिसकी शक्ल इंसान की तरह थी। इस पर वॉल्टर उसे बताता है कि वो सिर्फ एक सपना था। अब यह बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है और वो चूहा एक खतरनाक चुड़ैल के साथ रहता है।
जो चुड़ैल की आने से पहले आता है और चुड़ैल की नजर उसके ऊपर है, यानी कि वॉल्टर के ऊपर, और वो बहुत जल्द तुम्हें लेने आएगी। इसीलिए तुम्हें सतर्क रहना चाहिए और जल्द से जल्द ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। अब वो वॉल्टर को एक क्रॉस देता है और उससे कहता है कि ये उसकी रक्षा करेगा, लेकिन वॉल्टर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए वो सोने चला जाता है। अगले दिन जब वॉल्टर कमरे से बाहर आता है तो मैरी उससे एक मदद मांगती है। वो उसे बताती है कि आज उसका एक इंटरव्यू है, इसीलिए वहाँ उसे जाना है। तो क्या कुछ देर के लिए वो उसके बेटे का ख्याल रख सकता है? वॉल्टर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और डोनी को अपने पास रखता है। साथ ही वो डोनी के गले में एक क्रॉस देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सभी भगवान को मानते हैं। अब शाम को वॉल्टर डोनी को सुला देता है और पढ़ाई करने लगता है, लेकिन पढ़ाई करते हुए उसे नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। इस दौरान वही कमरे के कोने की दीवार में से एक अजीब सी रोशनी आती है और उस दीवार में से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। डोनी जब चुड़ैल को देखता है तो वो जोर जोर से रोने लगता है, और जब वॉल्टर की आंख खुलती है तो उसे देख कर हैरान हो जाता है। वो चुड़ैल मैरी का रूप धारण कर लेती है और उसके सामने न्यूड हो जाती है, और वॉल्टर को लगता है कि वो मैरी ही है जो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। इस दौरान डोनी जोर जोर से रो रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसकी माँ नहीं है। वहीं इधर चुड़ैल वॉल्टर से इंटीमेट होने के दौरान उसकी पीठ पर अपने नाखून से एक सैनेटिक साइन बनाती है। इसके बाद वो अपने असली रूप में आती है, इसे देखकर वॉल्टर हैरान हो जाता है, और जब वॉल्टर की आंख खुलती है तो वो अपनी आंख को एक कमरे में पाता है। उसे लगता है कि शायद ये भी उसका सपना है, और वो भागते हुए डोनी के पास जाता है। तभी मैरी भी वहां पर आ जाती है और देखती है कि उसने डोनी को अकेला छोड़ दिया था। इस पर वो उसे डांटने लगती है और उससे कहती है कि वो उसके बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस पर वॉल्टर उससे कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो अपने रूम में कैसे चला गया। साथ ही वो अपनी पीठ को टच करता है और उसके अंदर से खून निकल रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि शायद ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। अब वो मैरी से आटा लेता है और अपने बेड के चारों तरफ फैला देता है, ताकि अब अगर वॉल्टर स्लीप वॉकिंग करे तो उसे पता चल सके कि वो कहां पर जा रहा है, क्योंकि उसे अभी पूरा यकीन नहीं था कि वो चुड़ैल सच में है, और उसे लग रहा था कि शायद वो स्लीप वॉकिंग करता है। अब वॉल्टर अपने बेड पर सो जाता है और तभी उसे चूहे की आवाज आती है, जिस पर वो बेड के चारों तरफ देखता है। वहाँ चूहे के पंजे के निशान नजर आते हैं। ये देख वो बेड के नीचे चेक करता है कि वहाँ पर कौन है, लेकिन तभी एक हाथ उसे पकड़ लेता है और उसे बेड के नीचे खींच लेता है। इसके बाद वॉल्टर अपने आप को चुड़ैल के डायमेंशन में पाता है और चुड़ैल ने उसे काबू कर लिया था। उसके सामने एक किताब खुली थी और चुड़ैल उससे कहती है कि वो उस पे साइन करे, मगर वो साइन करना नहीं चाहता था, लेकिन वो चूहा उसके ऊपर चढ़ के उसकी कलाई काट लेता है, जिससे उसका खून उस किताब में गिर जाता है और अनजाने में शायद वो डेविल को अपना खून चढ़ा देता है। अब वो चुड़ैल उसके कान में कुछ बड़बड़ाती है कि वही उसका काम करेगा, और तभी वॉल्टर जोर से चिल्लाता है और उसकी नींद खुल जाती है। साथ ही वो अपने आप को अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पाता है, जहां उसके सामने एक अजीब सी बुक पड़ी होती है, इसे वो पढ़ने लगता है। इसमें वो उसी चूहे और चुड़ैल की फोटो देखता है जो कि डीमन की पूजा कर रहे थे। उस बुक में ये भी लिखा था कि डीमन को खुश करने के लिए उसे बच्चों की बलि चढ़ाते हैं, जो देखने से वॉल्टर समझ जाता है कि डोनी की जान खतरे में है, और वो चुड़ैल ये चाहती है कि वॉल्टर उसके लिए डोनी को मारे। वो अपने घर पर जाता है और मैरी से कहता है कि उसके बच्चे की जान खतरे में है। वो उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि यहाँ पर एक चुड़ैल है जो चाहती है कि वो उसके बच्चे को मार डाले, इसीलिए जितना जल्दी हो सके वो इस घर को छोड़ दे, ताकि उसके बेटे की जान बच सके। मैरी उससे कहती है कि वो पागलों की तरह बर्ताव ना करे, और वो उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वॉल्टर के कमरे में वो बूढ़ा आदमी आता है, जो कि अक्सर रात में प्रेयर करता था। वो बूढ़ा आदमी वॉल्टर की पीठ देखकर उससे कहता है कि उस चुड़ैल ने उसे माफ कर दिया है, और अगर वक्त रहते वॉल्टर ने उसकी बात सुन ली होती तो आज ये नहीं होता। आगे वो वॉल्टर से कहता है कि वो तुमसे बच्चे को मारने का काम करवाएगी, इसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। इस पर वॉल्टर उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब बातें कैसे जानता है। इस पर बूढ़ा आदमी अपने कपड़े उतार कर उसे अपनी पीठ दिखाता है और कहता है कि वो चुड़ैल काफी समय पहले उसे भी अपना शिकार बना चुकी है। जब वो यहाँ पर आया था तो वो उसकी उम्र का था, लेकिन उस चुड़ैल ने उससे एक बच्चे की बलि चढ़वाई। उस घटना के बाद वो यहीं पर रहा और उसने चुड़ैल से बदला लेने का सोचा, लेकिन वो दोबारा उससे मिलने नहीं आई और वो यहीं रुक कर पूरी जिंदगी उसका इंतजार करता रहा। बूढ़ा आदमी वॉल्टर से कहता है कि भला इसी में है कि वो यहाँ से भाग जाए। इस पर वॉल्टर उससे कहता है कि वो उस बिच को जान से मारने वाला है। अब वो हथौड़े की मदद से कोने की दीवार में छेद करने लगता है, ताकि वो उस चुड़ैल तक पहुंच सके। तभी वहां का मैनेजर उसके पास आकर उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। इस पर वॉल्टर
उसे हथौड़े से डराकर वहां से भगा देता है और इसके बाद वो दीवार तोड़कर उसके अंदर दाखिल होता है। उसे यहाँ सारे बच्चों के कंकाल मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि उस चुड़ैल ने पहले भी बलि चढ़ा रखी है। जब वो आगे बढ़ता है तो उस चुड़ैल के डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि उस चुड़ैल ने डॉनी को पकड़ रखा है जो कि एक केज में बंद था। यहाँ वॉल्टर जब डॉनी को उससे बचाने के लिए जाता है तो चुड़ैल उसे काबू कर लेती है और उसके हाथ में चाकू पकड़ा देती है और उससे कहती है कि वो उस बच्चे की बलि चढ़ाए। साथ ही वो उस बच्चे को उसके पास लेकर जाती है और उससे कहती है कि वो बच्चे को चाकू मारे, पर वॉल्टर अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और वो चाकू को चुड़ैल की तरफ मोड़कर उल्टा उसी पर ही हमला कर देता है। पर यहाँ चुड़ैल उससे लड़ती है और बच्चे को उससे छीन के वॉल्टर को जख्मी कर देती है। इस पर वॉल्टर अपनी दोनों उंगलियों से उस चुड़ैल की आंखें फोड़ देता है और इसके बाद वो एक क्रॉस की मदद से उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। फिर वो डॉनी को चुड़ैल से बचाकर कमरे में लाकर उसे बेड पर सुला देता है और तभी वो सुनता है कि डॉनी जोर जोर से रो रहा है। इस पर वो देखता है और उसे पता चलता है कि वो इंसान की शक्ल वाला चूहा डॉनी के गले में काट कर उसे मार रहा है और इससे पहले वो कुछ कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मतलब कि डॉनी की मौत हो चुकी थी। और बाहर मैरी वॉल्टर से दरवाजा खोलने को कह रही थी तभी मैनेजर वहाँ पुलिस लेकर आ जाता है और जब वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वॉल्टर ने डॉनी की लाश को अपने हाथों में ले रखा है। इससे सबको लगता है कि वॉल्टर ने डॉनी की जान ले ली है और इस पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम वॉल्टर को एक पागल खाने में देखते हैं जहां उसके साथ एक डॉक्टर भी होती है। इसके पूछने पर वॉल्टर उससे बताता है कि मैंने उस बच्चे को नहीं मारा बल्कि उसे एक इंसान की तरह दिखने वाले चूहे ने मारा था जो कि एक चुड़ैल के साथ रहता है। अब ये बात सुनकर डॉक्टर को लगता है कि वॉल्टर सच में पागल हो चुका है। ये बात बताने के लिए वो डिटेक्टिव के पास जाती है तभी वहाँ एक FBI का एजेंट आकर डिटेक्टिव से बताता है कि वॉल्टर सच कह रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उस बच्चे को एक चूहे ने गले पर काट कर मार दिया है। लेकिन इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा इसीलिए वो लोग वॉल्टर को ही इसका दोषी ठहराने का फैसला करते हैं। इसके बाद हमें वॉल्टर को दिखाया जाता है। इसके पास फिर से हम उसी अजीब सी रोशनी को देखते हैं तभी वह उसके पास वही इंसान की तरह दिखने वाला चूहा आता है। इसके बाद हम वॉल्टर के चिल्लाने की आवाज को सुनते हैं जो सुनकर वहाँ वार्ड बॉय उसके वार्ड में जाता है और देखता है कि उसके पेट के अंदर से एक चूहा निकलकर भाग रहा है। इसे देखकर वहाँ खड़ी डॉक्टर भी हैरान रह जाती है। उस चूहे ने वॉल्टर को जान से मार दिया था, मतलब कि यहाँ पर वॉल्टर की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।